फॉर्म भरने के बाद सभी लोग एक साथ वापस चलेंगे वहाँ से भी, और उसके बाद यहाँ पे मलिकपुरे में थोड़ा सा हमारा कुछ प्रोग्राम होगा, चाय वगैरह भी यहाँ पर होगी और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोग्राम भी होगा। ये जो रैली जा रही है ये हमारे सरपंच कैंडिडेट सकीना बेगम वाइफ ऑफ नसर हसन मलिक साहिबा की रैली है, मलिक साहब की रैली है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं और वापसी पर यहाँ पर जो है इनकी तरफ से तमाम लोगों के लिए चाय का प्रोग्राम है मलिकपुरा के अंदर। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्राम भी होगा यहाँ पर, आप लोगों के बीच दो चार लोग बोलेंगे भी, क्योंकि इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब तक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पूरे अजम के साथ हम एक यूनिटी कायम करके इसमें हिस्सा न लें तो कुछ भी नामुमकिन मुमकिन हो सकता है और मुमकिन कुछ भी मुमकिन नामुमकिन हो सकता है। तो मुझे आज उम्मीद है कि आज जो है यहाँ पर हम इंशाल्लाह इस रैली को मुमकिन में बदलने जा रहे हैं और ये रैली जो है कामयाब रैली होगी और ये कैंडिडेट सरपंच कैंडिडेट जो हमारा है इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि एकजुट हो जाए, एकजुट हो जाए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि साथ चले, सड़क का किनारा पकड़िए, सड़क का किनारा, बाकी गाड़ी को जाने के लिए जगह दीजिए, गाड़ी को जगह दीजिए। जेके अपडेट के साथ जुड़े इस वक्त पंचायत तुलोगड़ा के एक्स सरपंच लियाकत अहमद लियाकत हुसैन शेख। लियाकत साहब, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त जो गैदरिंग लग रही है, ये जैसे मतलब असेंबली इलेक्शन होते हैं एक एमएलए के साथ इतने लोग होते हैं, क्या लग रहा है इस वक्त एक सरपंच के साथ इतने लोग इस वक्त मतलब साथ फार्म भरने के लिए आए हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए ये लोग इतने क्यों हैं, आखिर क्या वजह है? मैं आपको ये बोलूं कि ये अरसा 20-25 साल का ये पहला एक वाका है कि जिसमें सारे ग्रुप एक एक साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और सकीना बेगम के लिए वो वोट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है हमारी जो इस वक्त 90% आवाम है वो सकीना बेगम के साथ है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी कैंडिडेट इनके अलावा होगा हम इन आने वाले एक दो दिनों में कोशिश करेंगे हम उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, और हमारी ये कोशिश ये रहेगी कि ये बिला मुकाबला कामयाब हो जाए ताकि वो भी हमारे साथ चले। क्या जैसे आम लोग कहते हैं कि 90% लोग इस वक्त पंचायत तुलोगड़ा के इन्हीं इसी कंटेस्टिंग सरपंच के साथ हैं, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत है और आपके सामने आया है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अरसा 20-25 साल में ये एक पहला एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, जो लोग 20-25 साल से नहीं जुड़ रहे हैं और उनके लिए हमने एक ऐसा मैदान बना दिया है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर सकीना बेगम के लिए वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पंचायत तुलोगड़ा का यह पहला वाकया है कि पूरे लोग पंचायत तुलोगड़ा के जुड़ चुके हैं? ऐसे पहले ही मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आने वाले इलेक्शन में सारे लोग जुड़ जाएंगे, आज हकीकत यही लग रहा है कि ये लोग तो हकीकत आपको लग रही है आपके सामने है, जो भी कैंडिडेट जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे एक एक साथ चल रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब सब लोग जो है एकजुट होकर इनको कामयाब करने के लिए सपोर्ट करने के लिए आगे मैदान में उतर चुके हैं। मतलब आम लोग जुड़ चुके हैं न कि पार्टी लेवल पे? आप इसमें मतलब आम लोग हर पार्टी को भले ताक रख के एक आम लोग की हैसियत से वो इस मैदान में कूद चुके हैं। चलो आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आती रहेगी वो आप हमें बताते रहेंगे, शुक्रिया हमारे। जेके अपडेट के साथ जुड़े हैं इस वक्त पंचायत तुलोगड़ा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के कंटेस्टिंग मेंबर फरीद अहमद वानी और माजिद मलिक। क्या आप बता सकते हो हमें कि आप पंचायत तुलोगड़ा के जो कंटेस्टिंग सरपंच है उसकी सपोर्ट में है? जी बिल्कुल, आपको आपको भी ये देखकर, आपके चैनल को भी ये देखकर खुशी होगी इंशाल्लाह कि आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जितने भी लोग हैं इस वक्त, ये हमारे जो कंटेस्टिंग सरपंच है इस वक्त सकीना बेगम वाइफ ऑफ निसार हुसैन मलिक, जो तुलोगड़ा पंचायत से लीड इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो तुलोगड़ा पंचायत से इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं
ये उनके साथ शाना बशाना है और जितने भी करीम तलोगड़ा पंचायत की जितने भी करीम है वो पूरी करीम जो है इनके साथ साथ शाना बशाना है। और आपको मैं बता देना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन नौजवानों को भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जुड़ जाइए हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत के साथ, और इत्तेहाद और इत्तेफाक में ही ताकत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। माजिद मलिक, क्या आप भी इसी सरपंच जो इस वक्त पंचायत लोगड़ा के कंटेस्टिंग सरपंच है, क्या आप भी इसी के साथ सपोर्ट में है, इन्हीं की सपोर्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा जितनी भी आवाम हमारे साथ आई है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये सब लोग हमारे साथ हैं। हमारे कैंडिडेट जो हैं मास्टर निसार साहब की वाइफ है, इंशाल्लाह हम जान लगा देंगे, इनके पीछे पूरी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इनको कामयाब करेंगे। आम लोगों का कहना है कि 80% जो है ये जीत चुके हैं, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब अकॉर्ड हो गया हमारी एक बात होगी, हम सारे बिल्कुल इनके साथ हैं। तो कितने लोग पंचायत तुलोगड़ा के इस वक्त मतलब इसी बात पे मुतफिक हैं कि यही कंटेस्ट करेंगे पंचायत? बिल्कुल 90% लोग अभी सपोर्ट में हैं, 90% लोग सपोर्ट में हैं, और अल्लाह के फजल से हमें नहीं लगता कि बाकी और कोई कैंडिडेट इनके अपोजिट सरपंची के लिए स्टैंड रहेगा। क्या आज आप फार्म भरने जा रहे हो, जब इलेक्शन मतलब वोट डालने का वक्त आएगा तो क्या लग रहा है आपको, उस वक्त कोई अपोजिट कैंडिडेट होगा? बिल्कुल, फिलहाल उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अब हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ न कुछ तो कोई उठ भी सकता है, लेकिन 90% मैंने आपको कहा कि 90% बिल्कुल हमारे जो कैंडिडेट 90% इस वक्त इनको सपोर्ट है। शुक्रिया जेके अपडेट के साथ।